नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चुनाव की जो कदम ताल शुरू हुई है उसके साथ किस तरह से नेताओं के बोल जो हैं वो बदल गए हैं, बदल क्या गए हैं और ज़्यादा भयावह हो गए हैं। बोल तो पहले से ही बहुत सारे नेताओं के खराब थे और जब देश की सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता अगर वह भी इस तरह की भाषिक हिंसा, इस तरह के टकराव, इस तरह की विद्वेष, इस तरह की नफरत, इन तमाम चीज़ों को उगल रहे हों अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपने नुक्कड़ सभाओं में, रोड शोज में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का माहौल क्या होगा। अभी हमने देखा कि फ्राइडे को, शुक्रवार को प्रधानमंत्री उड़ीसा में थे और उड़ीसा की रैली में वो जिस तरह की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि विपक्ष पर वो हमलावर हो रहे हैं। और विपक्ष पर अगर वो हमलावर होते हैं, अगर मुद्दों को लेकर होते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन वो संपूर्ण विपक्ष को ऐसा लगता है कि सेना बनाम विपक्ष का एक अजीब तरह का कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि मानो सेना पर विपक्ष जो है की आलोचना कर रहा है और इस तरह पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इस तरह का जो एक तरह से ट्रिविलाइजेशन, इस तरह का तुक्षीकरण अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं और संपूर्ण विपक्ष को देश के खिलाफ खड़ा करते हैं, तो पूछा जा सकता है एक सवाल कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो 5 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुल्क तो 1947 से आज़ाद मुल्क के रूप में काम कर रहा है और जिनको आप विपक्षी कह रहे हैं कमोबेश कभी न कभी वो सत्ता में रहे हैं, तो किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? आपसे ज़्यादा लंबे समय तक वो शासन कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा लंबे समय तक वो लोग भी इसी सेना, इसी सत्ता, इसी न्यायपालिका, इसी कार्यपालिका, इसी संसद के सबसे बड़े एक तरह से यूं कहा जाए कि संचालक जो शक्तियां थीं उसके सबसे बड़े हिस्सेदार रहे हैं। तो ये जो भाषा है कुल मिलाकर मुझे लगता है बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र की ही नहीं बल्कि आम जनता के दिलों और दिमागों में जहर घोलने वाली है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री, अगर भारत का के प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हम मिजाज पैदा कर रहे हैं अपने समाज में। क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की बातें, प्रधानमंत्री के नारे, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द गांव, कस्बा, शहर, बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाते हैं। कैसी भाषा है सुनिए आप, उन्होंने हाल के दिनों में क्या क्या भाषा इस्तेमाल की है, किस तरह के जुमलों का प्रयोग किया है। चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है, अहमदाबाद की रैली में उन्होंने कहा था, किसी के लिए भी कहा हो, लेकिन ये भाषा जब सर्वोच्च जो कार्यकारी पद है उस पर बैठा एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसका मतलब निकाला जा सकता है। पाताल से निकाल कर मारूंगा, फरवरी 2017 में मोदी जी ने कहा था कि कब्रिस्तान बनेगा या श्मशान बनेगा, इस तरह की भाषा, श्मशान और कब्रिस्तान का एक तरह से कंट्रास्ट खड़ा किया। इसके भी पहले उन्होंने, कांग्रेस के एक नेता हैं, लेखक रहे हैं, विदेश में नौकरी कर चुके हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शशि थरूर, उनकी पत्नी उस समय जीवित थी और उनको उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। मुझे उन्होंने नोटबंदी के आसपास ये बातें कही थी, मुझे लात मार कर हटा देना, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो फकीर हूँ। फकीर अपने आप को कहना एक बड़े नेता का, तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहेंगे अपने बारे में। उन्होंने तो कभी अपने जीवन में शायद ही कहा होगा कि मैं फकीर हूं, जबकि पूरी दुनिया उनको फकीर मानती रही। मुझे चौराहे पर जूते मारना, ये बातें उन्होंने कही हैं नोटबंदी के समय, किस तरह की भाषा है। स्वयं ठीक है, ग्लोरिफिकेशन अपने को महिमा मंडित करने के लिए वो कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत महान काम है, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अगर गलत होगा तो तुम हमें चौराहे पर जूते मारना। लेकिन ये क्या भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है, एक बड़े ओहदेदार को शोभा देती है जिसके एक एक शब्द को बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर व्यक्ति इस देश का सुन समझ और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ये चिंताजनक बात है इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री। मुझे फांसी पर लटका देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बैठे महामहिम प्रधानमंत्री हैं उनकी भाषा में एक तरह की कॉरपोरेट, माने भाषा ही नहीं बल्कि पूरे उनके अंदाज में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उनकी 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 पूरी शख्सियत में कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक कट्टरता और कॉरपोरेट क्रूरता, इन यह दोनों के रसायन मिल गए हैं। दोनों के रसायनों ने मिलकर एक अजीब तरह की भाषा बुनी है, एक अजीब तरह का जुमला बुना है और ये जो सांप्रदायिक कट्टरता है और कॉरपोरेट क्रूरता है, इसका जो ये जो मिश्रण है,
या इसका जो रसायन है वो भारत की सत्ता संरचना, सत्ता संस्कृति को नीचे से ऊपर तक प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही, और उन्होंने संभवतः अभी हाल ही में मेरठ की रैली में और आसपास के और कुछ इलाकों में उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे विपक्षी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सपा, राष्ट्रीय लोकदल और बसपा का नाम लिया और कहा कि सपा का स, रालोद का रा और बहुजन समाज पार्टी का ब, ये मिलकर शराब बनते हैं और शराब मदहोश कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है, तो ये कम्बिनेशन बर्बाद कर देगा। आई मीन कमाल का ये, मैंने इस तरह की जो भाषा है, एक तो शाब्दिक रूप से भी गलत है, श नहीं है सपा में, छोटा सा है, बड़ा श नहीं है, लेकिन उन्होंने खैर इस जुमले को कर दिया सामने। अब किसी और ने, उन्हीं के जो प्रतिपक्षी हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिव, कई बार उनकी आलोचना करने वाले भी उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लिया और मो न और शाह दोनों को कहा कि ये तो नशा है। आई मीन इस तरह की जुमलेबाजी दोनों ओर से शुरू हो गई। मुझे लगता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष जिस तरह की बातों में, जिस तरह के विमर्श को पेश कर रहे हैं, वो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और एक और बात उन्होंने कल कही बहुत ही दिलचस्प, कि ये लड़ाई जो कामदार और दागदार की है, उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी सरकार के लोगों को कामदार कहा और उन लोगों को जो उनको चुनौती इस चुनाव में दे रहे हैं उनको दागदार कहा। उन्होंने नवीन पटनायक से लेकर के और जितने इस देश के अन्य विपक्षी मुख्यमंत्री हैं सबको दागदार माना। उन्होंने जो अभी विपक्ष के नेता हैं, चाहे उस क्यों नहीं सरकार में न हो, विपक्ष में बैठे हों, उनको भी दागदार कहा, सबके बारे में एक एक बातें कहीं। और अब सवाल उठता है कि अगर सारे के सारे दागदार हैं उनके मुताबिक, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का जिक्र किया, तो अब उनसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने रॉबर्ट वड्रा का को इशारा किया आपने उनके दागदार होने पर, तो 5 वर्ष आपकी सरकार रही है, अभी चुनाव अब हो रहे हैं, आपने 5 वर्षों में उनके लिए क्या किया? चुनाव के ऐन मौके पर आप उनको दागदार बता रहे हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है अदालतों में, तरह तरह से जांच एजेंसियों में उनकी सुनवाई हो रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जिन सज्जन को आप दागदार बता रहे हैं, TDP के नेता को, उनके साथ आपका गठबंधन था, वो आपके साथ बैठकर गलबैयां मिलाकर आपके साथ काम कर रहे थे हाल तक, और अब आप उनको दागदार बता रहे हैं और उनके मंत्रियों और उनके सांसदों या उनके प्रतिनिधियों पर छापे पड़ रहे हैं। तो आपने 5 साल क्या किया उनके दागदार होने को लेकर? आपने कर्नाटक में अभी थर्सडे को, गुरुवार को छापेमारी की गई, और छापेमारी जो है तमाम एक मंत्री पर की गई, उसके समर्थकों पर की गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो दागदार नहीं होंगे या उनमें कोई उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं, हमने ऐसी कोई छानबीन नहीं की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों तक आपने क्या किया? और उसी कर्नाटक में आप कह रहे हैं कि आपके लोग कामदार हैं और उनके लोग दागदार हैं। कौन नहीं जानता इस देश में कि कर्नाटक में रेड्डी बंधु किस तरह आपकी पार्टी और आपके तमाम नेताओं के न केवल फाइनेंसर रहे हैं बल्कि तमाम गुनाहों के हिस्सेदार रहे हैं? येदुरप्पा साहब किन कारणों से पद से हटे थे, कैसे पार्टी से बाहर गए थे, कैसे उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी और कैसे अब आपकी पार्टी में शामिल हो गए, इससे पूरा देश मालूम है, पूरे देश को मालूम है। बस एक चीज जरूर आपके पक्ष में जाती है, वो कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर दागदारों की सूची में आपके दागदारों का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ विपक्ष के दागदारों का या कथित दागदारों का नाम लिया जाता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात, अभी आप देखिए उन्होंने नवीन पटनायक को, मैं नवीन पटनायक जी की, उनके कामकाज की शैली, उनकी सरकार पर लगे करप्शन के आरोपों पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि बालू माफिया की सरकार है, आपने कहा खनन माफिया की सरकार है, लेकिन खनन माफिया से लेकर के और खदान माफिया तक, इस देश के जो टॉप के खदान माफिया हैं वो किसके साथ खड़े हैं? क्या देश से ये छुपा हुआ है, सिवाय इसके कि उस पर मेनस्ट्रीम मीडिया ने आंखें मूंद ली हैं उन लोगों पर जो आपके साथ खड़े हैं? तो ये जो एक पहलू है बहुत ही दिलचस्प है। कौन नहीं जानता इस देश में कि नोटबंदी के समय अहमदाबाद के बैंक से लेकर और बाद के दिनों में जय शाह जी, जो अमित शाह जी के बेटे हैं,
उन पर जो तमाम कहानियां आई वो किस तरह की कहानियां थी और उनको कैसे दबाया गया, कैसे उन पत्रकारों को, उन मैगजीन्स को, उन वेबसाइट्स को उनका उनको डराने की कोशिश की गई तमाम तरह के केसेज में उनका उनका नाम डालकर। तो मुझे लगता है कि एक ये अजीब हैरतअंगेज पहलू है जिस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में लगातार इस बात को शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष है जो उनको चुनौती दे रहा है ये महामिलावट है। वो ये कह रहे हैं, गठबंधन नहीं कह रहे हैं, कहते हैं ये महामिलावट है। सवाल इस बात का है कि अगर आपको गठबंधन की राजनीति को खारिज करना है तो आईना तो आपकी तरफ भी है। आप आईने में देखिए अपनी सूरत, अपने अतीत को देखिए, अपने वर्तमान को देखिए, अपने भविष्य को देखिए। मैं मैथमेटिक्स मेरी कमज़ोर है, लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र वो घिन कर बता रहे हैं कि मौजूदा जो NDA है ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने बल पर बहुमत है, लेकिन आपने जानबूझकर जो गठबंधन बनाया है ताकि कहीं असंतुलन न पैदा हो, कहीं कोई समस्या आपको सरकार चलाने में न आवे और दूसरे राज्यों में भी आपकी सरकारें बनी रहें, आपने भी ये गठबंधन किया है। और इस गठबंधन में मौजूदा जो महागठबंधन उत्तर प्रदेश का है या बिहार में जो गठबंधन हुआ है उससे ज़्यादा दल हैं। किसी ने जोड़कर मुझे बताया कि कुल मिलाकर 43 दल इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। टोटल 43 ऑर्गेनाइजेशन और राजनीतिक दल, ये हाल है। आप कह रहे हैं कि महामिलावट, ये अच्छी बात नहीं है, एक दल का होना चाहिए सब कुछ। तो मैं याद दिलाऊं, मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी मौजूदा पार्टी भी महामिलावट की पैदाइश है। अब आप कहेंगे कैसे, 1977 में जनसंघ जो 1951 में बना था वो मर्ज कर गया था जनता पार्टी में, और जनता पार्टी में जब मर्जर हुआ तो उस वक्त अप्रैल 6 अप्रैल 1980 को आप बाहर आए उस महामिलावट से और आपने एक नए दल का गठन किया, भारतीय जनता पार्टी। वरना जनता पार्टी में आपने अपने को विलय कर लिया था, तो वह भी एक तरह का गठबंधन था। और जब आप बाहर आए आपने एक नई पार्टी बनाई, फिर आपने गठबंधनों का नया दौर शुरू कर दिया। तो महामिलावट से जो पार्टी बनी है वो दूसरों पर आरोप लगा रही है कि महामिलावट क्यों कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा, महामिलावट देश के खिलाफ है। अरे ये तो देश स्वयं ही महामिलावट है, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न राज्यों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न खान पान के तौर तरीके, सब कुछ। तो हमारा समाज एक गठबंधन है और ये खूबसूरत गठबंधन है, ये डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी है। इस खूबसूरती को, इस मिलावट को अगर आप अपशब्दों से संबोधित कर रहे हैं, आप इसे देश के लिए अशुभ बता रहे हैं, तो मुझे अचरज होता है कि जो स्वयं महामिलावट में यकीन करता है, जो स्वयं गठबंधन की राजनीति को अपने अस्तित्व और वजूद के लिए जरूरी मानता है, वो संपूर्ण विपक्ष को इसके लिए कोसता है। कई बार ऐसा राजनीति में होता है कि जो गली, सड़क और नुक्कड़ की भाषा है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, अलग अलग ढंग के लोगों की, कई बार अराजनीतिक लोग भी, वो अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बहुत ही जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन यहाँ तो जो IT सेल है, IT सेल और पार्टी और सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों की भाषा एक सी हो गई है, और ये मैं समझता हूँ इस चुनाव का सबसे चिंताजनक पहलू है। हमने 2014 में भी देखा था, 2015 के बिहार चुनाव में भी देखा था किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, 2017 में भी देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितनी आलोचनाएँ बाहर हो रही हों, लेकिन हमारे शीर्ष नेताओं पर बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। आखिर असर कैसे पड़ेगा, क्या इसके बारे में निर्वाचन आयोग, जो एक ऐसा संगठन है जो वॉच, जो सब पर नज़र रखता है, क्या वो स्वयं सतर्क है? हम इस पहलू पर ज़रूर कभी बात करेंगे। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का यही समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब।